यस फ्रेंड्स, मैं क्लाराम रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 को विज्ञान विषय का अध्ययन करवाऊंगा। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के तहत संपूर्ण विश्व ग्रस्त है, इसलिए ऑफलाइन टीचिंग अभी संभव नहीं है। एक वैश्विक महामारी है तो रघुनाथ विद्यालय ने बड़े भरकस प्रयास से ऑनलाइन क्लासें लगा करके बच्चों की पढ़ाई को यथावत रखने का बड़ा ही अच्छा प्रयास किया है। मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूं। सभी सजीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास, शारीरिक मरम्मत एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण करते हैं। पोषण के रूप में सजीव पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व है भोजन की विभिन्न स्रोतों से प्राप्त। भोजन जैसे कि मनुष्य भोजन के लिए जंतु एवं पादपों दोनों पर निर्भर रहता है, तो सजीव अपना जो भोजन है वो खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात सजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो भोजन के लिए। खाद्य पदार्थ को भोजन के स्रोत कहते हैं। भोजन के स्रोत जंतु एवं जंतु एवं पादपों से प्राप्त जो सामग्री है वो भोजन के स्रोत के रूप में यानी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे सजीवों का पोषण होता है। इनसे ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, खनिज लवण, आहारी वस्तु, ये सारे भोजन के स्रोत यानी पोषक। इन पोषक तत्वों को पोषण की प्रक्रिया के द्वारा सजीव ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको दो शब्दावली बताई, पोषक तत्व और पोषक। यदि सजीव के भोजन में
सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हैं तो वो भोजन कहलाता है संतुलित पोषक। संतुलित भोजन यदि उचित मात्रा में यह पोषक तत्व उपस्थित नहीं है या भोजन संतुलित नहीं है तो सजीव कुपोषण का शिकार होता है। जिसे हम कहते हैं रोग, यानी सजीवों के शरीर में कुपोषण से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सजीवों के शरीर में किसी न किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। यानी पोषण संतुलित भोजन नहीं तो कुपोषण, यानी रोग। मैं यहाँ पर कुछ पोषक तत्वों की बात करता हूँ, जैसे विटामिन, हंक नामक वैज्ञानिक ने इसका इस शब्द का विकास किया था। विटामिन प्रमुख रूप से जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये प्रमुख विटामिन हैं। सजीव के शरीर के अंदर इन विटामिनों, सजीव के शरीर के अंदर या यूं कहें कि सजीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अंदर इन विटामिनों की उचित मात्रा उपस्थित होना आवश्यक है। यदि एक भी विटामिन की कमी आ गई तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। और विभिन्न प्रकार की विटामिनों से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए, यदि शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाती है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बी की कमी आ जाती है, बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। सी की कमी आ जाती है, सरकर्वी नामक रोग हो जाता है। डी की कमी आ जाती है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यानी मैं प्रमुख विटामिन उनके नाम और उनकी कमी से होने वाले शरीर में लक्षण और उनके रासायनिक नाम यहां लिख रहा हूं। विटामिन रासायनिक नाम कमी से उत्पन्न लक्षण। ए रासायनिक नाम थायमिन, रोग रतौंधी, रात्रिकालीन दिखाई देना कम, कम दिखाई देना, विटामिन बी
नाम राइबोफ्लेविन, डेरिवेटिव शरीर में तंत्रिकीय संतुलन कम होना, शरीर का समन्वय में कमी, एस्कार की कमर, रोग सरदर्दी, कमी से मसोड़ों में सूजन, रिकेट्स, कमी से हड्डियां कमजोर होना, इस प्रकार से विटामिन से शरीर में वो हो जाते हैं, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से भी शरीर के अंदर जैसे कौन सी रोग, वेरेमस रोग, खनिज लवणों की कमी से भी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः हम भोजन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह तत्व ये सब ग्रहण करते हैं। यदि इनमें से किसी भी एक तत्व की उचित मात्रा विद्यमान नहीं होती है तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसे ही हम कुपोषण कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जो जानकारी दी इसको थोड़ा अवलोकन करें, आगे फिर टॉपिक जारी रहेगा। धन्यवाद।